हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही रिफ्रेश और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हो रही है ज़बरदस्त बारिश और बारिश के चलते हम जाने वाले हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। अभी कहाँ जाने वाले हो भाई? देखो हमारी यहाँ तो ज़मीन है, उसका दौरा करने के लिए। भाई बारिश का मौसम अच्छा है तो नाश्ते का प्लान हुआ है, देखते हैं अभी मुजफ्फा भाई हमारे साथ में क्या क्या खिलाते हैं। तो बारिश काफ़ी शानदार हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़ोरों की बरसात हो रही है। तो हमारा एक बंदा यहाँ पर बारिश चेक करने के लिए जा रहा है। भीगेंगे नहीं ना गाड़ी में, जाएंगे तो स्पीड से आएंगे, भीगेंगे नहीं। हाँ चलो चला। तो गाड़ी का ड्राइवर हमको मिल चुका है और अब हम जाने वाले हैं भीगते हुए। इतनी शाही सवारी है, दी रॉयल इनफील्ड बुलेट, इसके ओनर है कोमली, इसका ड्राइवर है, पीछे का कौन साफ करेगा? ये ऐसे गरीब लोगों को ऐसे ही काम पे लगाने को लगाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं परवेज गाड़ी पर बैठ चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये एक किक में गाड़ी चालू कर पाए। चल जल्दी चालू कर। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे न्यूटन ही न्यूट्रल ही करना नहीं आ रहा है। ये नहीं चाहिए भाई, कल काफी ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा बारिश होने की आशंका है। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं खाते में। वाह वाह वाह। चलो आखिरकार बाहर गाड़ी चालू हो चुकी है। तो गाड़ी तैयार चालू हो चुकी है और तो इस शानदार मौसम में अगर आपको भजिए मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है गाइस। और अब हम वही नेमत को क्या बोलिए, नेमत को खाने जा रहे हैं, खाने के लिए आए हैं यहाँ पर भजिए। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम चालू है प्लॉटिंग का। ये जमीन हमारी हुआ कर चुपट। ओ हो हो। तो इस ठेले पर हम खाएंगे यहाँ पर भजिए। ये देखो क्या कर रहे हैं। तो भजिए निकलने में टाइम है इसलिए अब हम थोड़ा यहाँ पर इंतजार करेंगे। और ये गाड़ी के थोड़ा अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं। क्या होगा भाई? उतने भी काम है। और यहाँ पर अपन लोग लेंगे भजिया इस टपरी पर जाने। देवलगढ़ राजा का सबसे फेमस वड़ा। लो भाई जज़ाकअल्लाह खैरम कसीरम। इन गरीबों को भी कभी खिला दिया करो गाइस। तो वड़ा पाव खाए बाद भी इस व्यक्ति का पेट नहीं भरा है इसलिए अब हम यहाँ पर रगड़ा खाने के लिए बैठे हैं। हजार खाते पीते घर के काफी खाते पीते घर के। तो अपने 50 रुपए हो गए। ये तो एक तरह की चौपाटी बन गई है भाई। कितने परवेज भी बुलाए? परवेज भाई चाय कहाँ पिलाएंगे आप? मेट्रो पे जाएंगे ना। मेट्रो का है अभी होटल को लिए मालूम नहीं। तो रगड़ा आ चुका है अपना, काफी टेस्टी रगड़ा है ये। पानी दिख रहा है उसमें भाई। भाई खाओ एक बार। कैसा है भाई? अभी तेरे पानी ला थोड़ा फिक्का हुआ। बहुत बातें कर रहा था ये, एक एक में चालू करता। बोल क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं।
अरे उधर से लेना है बाजार साहब। तो गाइस है तड़का तोड़ जा रहे गाइस की दफ्तर में शादी भी मेरी पहले हर खाना पानी के ये सॉरी तो खाना चाय के बगैर हमेशा अधूरा रहता है, इसलिए अब हम चाय लेने के लिए जा रहे हैं दूर बाईपास पर। आता ही नहीं यहाँ पर हम लेंगे चाय, क्योंकि चाय के बगैर हर खाना यहाँ पर अधूरा है। ये हमारी मस्ती है कि हम इतनी बारिश में चाय पीने इतनी दूर आए। तो फाइनली अपनी चाय आ चुकी है यहाँ पर। और ऐसे मौसम में चाय पीने का अलग ही मजा है, काफी आनंद है। पानी बहुत बढ़ चुका है यहाँ पर। तो आपको कभी भी अगर चाय पीनी हो ऐसे मौसम में तो आप बाईपास पे जरूर आए, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त चाय मिलती है। थोड़ी महंगी है पर अच्छी है। और मैं ज्यादातर मतलब उस टाइप का बंदा हूँ कि जब भी बारिश आती है ठंड बढ़ती है तो घर में गर्म पड़े रहने वाला इंसान, पर कभी कभार इंसान ने बाहर आकर अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर थोड़ी लाइफ एंजॉय करने को ना, है ना गाइस? बहुत अच्छी बात है गाइस, ने इतना बोला इसका तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो आप भी अपनी अपनी कंबले जो आपने ओढ़ रखी है वो निकालो और बाहर आओ। बाहर मौसम काफी अच्छा हुआ है। तो आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए, मौसम काफी अच्छा है। क्या पहाड़ों भरे एरिया में जाइए, हमारा भी बजट नहीं है वरना हम जाने वाले थे। तो जिस दिन हमारा बजट हो जाएगा हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। तो आप चाय पी लिए और अब हम निकल चुके हैं घर की ओर। चुके